स्टूडेंट्स आपके क्लास नाइन्थ और टेंथ का देखिए जो हाफ एयरली एग्जाम है उसके लिए देखिए मैं लेकर आया हूं कि एप्लीकेशन जो कि 100% क्लियर है, आएगा ही आएगा, कोई भी इसको काट नहीं सकता, 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आएगा ही आएगा। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, 100% कोई नहीं काट सकता। तो आइए हम देखेंगे ये क्या है एप्लीकेशन, आपको किस तरीके से लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। आपको फुल मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए? फुल मार्क्स चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि हाँ 6 नंबर का है तो आपको सिर्फ 3 ही मिल जाए या फिर 4 ही मिल जाए। तो आपको 6 में पूरा 6 लाना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो और देखिए बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉमा और भी चीजें जो होती हैं उन सभी की मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टूडेंट्स आप इतना ध्यान दीजिएगा, ये सभी गलतियां जो हैं आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसी से ही ज्यादातर अंक कटते हैं, ज्यादातर नंबर कटते हैं, लेकिन सभी को ध्यान में नहीं रहता और वो सभी क्या करते हैं कि गलतियां कर बैठते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको करना है और कैसे करना है ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक भी नंबर काटवा के नहीं आना, बल्कि नंबर आपको बढ़वाना है। तो ये आप ध्यान दीजिए, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 2, एक कॉमा लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे द प्रिंसिपल। देखिए टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की आप स्पेलिंग देख लीजिए, PRINCIPAL, देखिए PRINCIPAL। तो ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं प्रिंसिपल की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। टू द प्रिंसिपल, उसके बाद आपका जो भी स्कूल है, जैसे मान लीजिए जो भी है RBM इंटर कॉलेज में यहां पर लिख देते हैं, देखिए जहां का भी है स्कूल, उसके बाद यहां पर कॉमा करके कहां पर है, जैसे मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जिला क्या है प्रतापगढ़, तो हम लिख देते हैं प्रतापगढ़ और यहां पर यूपी, तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद फिर देखिए टू द प्रिंसिपल आपका कॉलेज, तो उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान देना है, जो क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और सब्जेक्ट नहीं लिखते, तो आपको यहां पर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखिए आपको मतलब कैसे लिखना पड़ेगा कि आपको छुट्टी चाहिए ना, तो यहां पर आप लिख सकते हैं छुट्टी के लिए, या फिर लिख दीजिए वन डे हॉलीडे, या फिर वन डे, मतलब यहां पर आप अपने हिसाब से आपका जो भी रीजन है आप इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे टू द प्रिंसिपल हो गया, तो इसके बाद लिखेंगे यहां पर सर या फिर मैम, तो यहां पर जैसे लिखते हैं सर फिर कॉमा रेस्पेक्टफुली, देखिए रेस्पेक्टफुली, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कहेंगे आई बिग टू से, देखिए रेस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, देखिए सिंस लास्ट NIGHT। देखिए यहां पर हमने किस चीज के लिए छुट्टी ले रहे हैं हम लोग, यहां पर फीवर मान लीजिए आपको हो गया है और आप उसके लिए छुट्टी ले रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, और यहां पर लिखना है सो फिर कॉमा आई कांट अटेंड, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, देखिए अटेंड द क्लास, फिर यहां पर लिखना है आपको काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे टू डे थ्री डे जितना भी दिन है, तो जैसे हम लिखते हैं यहां पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, मैं तो ही पिंक यूज कर रहा हूं आपको, लेकिन देखिए ये सब आपको सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज करनी है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं, आपको और कोई पेन यूज नहीं करनी है, इसी से ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्या लिखा हमने, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई काइंडली अटेंड फ्रॉम लास्ट फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, यहां पर लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर जितना भी दिन है, जैसे टू डे है तो टू डेज, और उसके बाद फिर यहां पर लिखना है आपको, देखिए काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज,
यहां पर लिखेंगे आप योर्स, YOURS, योर्स ओबेडिएंटली, योर्स ओबेडिएंटली। आपको यहां पर अपना नाम लिख देना है और भी जो भी चीजें हैं। तो देखिए हम यहां पर जैसे नाम लिख देते हैं, नेम में अपना नेम हमारा क्या है, जैसे जो भी है, जैसे हम अपना लिख देते हैं नाम पीयूष मौर्य, जैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्लास लिख देनी है, क्लास में जैसे आप जिस भी क्लास में हैं आपको यहां पर अपनी क्लास लिख देनी है बस। और देखिए यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि बगल साइड में, इस साइड में यहां पर आपको लिख देना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, ये आपको लिख देना है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे अपना एप्लीकेशन, अगर ऐसे लिखेंगे जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूं, तो 100% गारंटी, कोई आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, आप इतना ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी भी अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर आपको 15 से 20 वीडियो 30 वीडियो ही मिलने वाले हैं, जिससे आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, आपके एग्जाम में वही चीजें आने वाली है, क्लास 9th के हो चाहे 10th के हो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको किसी दूसरे वीडियो में।